हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं हॉट प्रीमियम हैचबैक इन द मार्केट, दैट इज़ बेलेनो। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें हमें 120 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो कि काफ़ी है। ओके, लेट्स गो इनसाइड द कार। अब हम इसका इंटीरियर देख लेते हैं थोड़ा। चलिए, विंडोज़ के सारे कंट्रोल यहाँ पे दिए गए हैं। ये ORBM को चेंज करने के लिए, ये बटन ORBM मिरर को बंद करने के लिए, जब आप इसको दोबारा प्रेस करेंगे ऑन हो जाएंगे। और ये जॉयस्टिक जैसे ये दिया गया है आपको एडजस्ट करने के लिए, मिरर जैसा आप चाहें। जैसे मैंने अभी राइट की तरफ कर दिया तो ये यहाँ राइट वाला करेगा, अगर लेफ्ट की तरफ मैंने तो लेफ्ट वाला करेगा। मैं चलिए आपको करके बता देता हूँ। जैसे मैंने राइट की तरफ किया, अब इसको मैं ऐसे मूव करूँगा ऊपर की तरफ। एज यू कैन सी, ये ऊपर जा रहा है साइड में करने। अपने हिसाब से आप जहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं मिरर को, सेम एज लेफ्ट। अगर आप लेफ्ट में करेंगे तो लेफ्ट की तरफ ऐसे चेंज होगा अंदर को। अगर मैं मतलब आप अपने हिसाब से यहाँ सेटिंग सारी दी। ये बटन दिया गया है, जैसे कि ये पावर विंडोज़ हैं इस गाड़ी में, तो जब आप इसको प्रेस कर देंगे विंडोज़ के मिरर लॉक हो जाएंगे। चलिए मैं आपको करके बताता हूँ। जैसे ही आपने ये प्रेस कर दिया, विंडोज़ के मिरर लॉक हो गए। ये देखिए, जैसे कि यहाँ पे आपके ये दिख रहा है। अब मैं इसको प्रेस डाउन करता हूँ, ये डाउन नहीं होगा। यहाँ से लॉक हो चुका है, जब इसको अनलॉक करेंगे तो ये डाउन हो जाएगा। ये चाइल्ड सेफ्टी के लिए होता है ज़्यादा, जैसे बच्चे करते रहते हैं शैतानी। चलो, अब इसके आगे ये लॉक विंडोज़ के लिए, ये लॉक सारे विंडो लॉक हो जाएंगे इससे अनलॉक। ये मूव करने के लिए चारों पावर विंडोज़ हैं, चारों के लिए। ये ऑटोमेटिक है ड्राइवर वाली विंडो। यहाँ पे आपको पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ करने का बटन दिया गया है। अब इसको प्रेस में मैंने ऑफ कर दिया है, जो इसको ये ग्रीन कलर की लाइट जलती है यहाँ पर। यहाँ से आप आगे की लाइट्स को एडजस्ट कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा डिज़ाइन किया गया है इसके बाद। चलो अब इसके कंट्रोल बताता हूँ आपको। यहाँ से आप फैन की स्पीड ज़्यादा कम कर सकते हैं, जितनी जहाँ से कम हो जाएगी। ये
यहाँ भी मोड का बटन है मोड सेलेक्ट करने के लिए, जैसे ये अब ये दिखा रहा है यहाँ पे ऊपर भी आ रही हवा और नीचे भी आएगी। जब ये दोहराव करेंगे अब सिर्फ नीचे को आएगी हवा। अब इसके साथ वो स्टीफ होकर चल पड़े। अब यहाँ से मोड से मतलब हर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये ऑटो का बटन है। जब ये यहाँ पे आपको ऑटो लिखा हुआ है ये अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेगा। यहाँ से ऑफ का बटन है बंद हो जाएगा। और ये इस बटन से आप मतलब बाहर की हवा लेना चाहते हैं या अंदर पूरे में सर्कुलेट करना चाहते हैं हवा वक्त। और ये फ्रंट डिफोगर का बटन दिया हुआ है और ये रियर का है। और ये म्यूजिक प्लेयर इसका, ये प्लानो डेल्टा सीवीटी मॉडल है, इसमें टच स्क्रीन नहीं मिलती है। इसका गियर बॉक्स है, इसमें आपको पी पार्किंग के लिए, आर रिवर्स के लिए, एन न्यूट्रल, डी ड्राइविंग और एल स्टीप हिल लो के लिए। अब चलते हैं इसकी रियर सीट के बीच। मैं इसकी रियर सीट पे आ गया हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपने हिसाब से ड्राइवर सीट एडजस्ट करी हुई है। उसके बाद आपको काफ़ी स्पेस मिलता है यहाँ पे। तीन तीन बंदे आराम से बैठ सकते हैं यहाँ पे। कैमरा यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जर सॉकेट दिया हुआ है पीछे। बस एक चीज़ की कमी है, अगर एयर एसी जो कि काफ़ी हेल्पफुल था बीस वालों के लिए। बट इसका एसी काफ़ी पावरफुल है, काफ़ी जल्दी गाड़ी को ठंडा कर देता है। सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। इसमें आपको दो एयर बैग मिलते हैं फ्रंट में, एक यहाँ पे और एक ड्राइवर सीट के लिए जो स्टैंडर्ड है। साथ में आपको ABS EBD के साथ में ABS EBD सारा मिलता है इस गाड़ी में, जो कि सेफ्टी के लिए अच्छा है। चलिए आप इसका बूट स्पेस चेक कर लेते हैं। इसमें आपको करीब 339 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो कि अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। काफ़ी स्पेस है 339 लीटर का। अगर आप ज़्यादा स्पेस चाहते हैं तो आप रियर सीट को 60:40 में स्प्लिट कर सकते हैं। यहाँ से ये यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है, इसको आप ऊपर को खींचेंगे तो ये आगे को आप कर सकते हैं ऐसे। इससे भी हुए भी स्पेस बन जाता है। इसके बाद आप आराम से सामान अपना यहाँ पे रख सकते हैं। काफ़ी स्पेशियस गाड़ी है ये। बलेनो डेल्टा CVT मॉडल है। इसमें आपको 15 इंच के टायर मिलते हैं व्हील कप्स के साथ, अलॉय व्हील नहीं मिलते। व्हील कप साइज आर ऑल्सो गुड। इसमें फ्रंट में आपको हैलोजन लैंप्स मिलते हैं जो कि स्विफ्ट वगैरह में भी आते हैं। और इसके टॉप वेरिएंट में आपको प्रोजेक्टर लैंप मिलेंगे। मुझे करीब 4-5 महीने हो गए इसको ड्राइव करते हुए और काफ़ी मज़ा आया इस गाड़ी को चलाने में। वेरी गुड कार। मैं इसको माइलेज बताता हूँ आपकी सीट। मैं इसको सिटी में ज़्यादातर सिटी में चलाता हूँ इसको, और
कभी कभी बम्पी रोड पे ले जाता हूँ। वहाँ देखो आपकी एवरेज आता हूँ, कितनी एवरेज दे रही है मेरे को अभी। जैसे कि आप देख सकते हैं 15.6 की, करीब 16 किलोमीटर की एवरेज दे रही है मेरे को। पेट्रोल वेरिएंट है ये, जो कि ठीक है। हाईवे भी आपको ये 20 तक दे देती है आराम से। दो एक दो बार लेके गया तो 20 तक आराम से दे देती है। यहाँ पे आपको ब्लूटूथ माइक दिए गए हुए हैं, जैसे कि आपको कोई कॉल आया हो आप यहाँ से उठा सकते हैं ऐसे करके, और यहाँ से कॉल एंड कर सकते हैं यहाँ पे ब्लूटूथ। बाकी कंट्रोलर दिए हुए हैं स्टेयरिंग पे, वॉल्यूम अप डाउन का, नेक्स्ट बैक करने का, मोड म्यूट करने का। हाँ आई विल शो यू कि क्या है, 100 की स्पीड ये कितने टाइम में कवर कर लेती है। लेट्स स्टार्ट, लेट्स गो टू ड्राइव। Yeah, that's it.